दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचते होंगे, आप में से काफी सारे लोग इसके बारे में सोचते होंगे कि एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बना जाए लाइफ में, क्यों हम सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पा रहे हैं, या हम अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि हमको ये करना है तो क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इसके बारे में बात करना, क्योंकि आज की डेट पर, आज के समय में हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ वही करने की कोशिश करता है जो दूसरे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनकर कि भाई वो कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, ये नहीं कर रहा है उसने मना कर दिया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों से दोस्तों आप लोगों को दूर रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी भी दूसरे का ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे की एडवाइस पर कुछ करना चाह रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस बात को याद रखिए दोस्तों, ये बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं, किस्मत की भी बात होती है थोड़ी सी। अगर कोई दूसरा आपको एडवाइस दे रहा है कि आप ये कर लो और आप उस चीज को करने लग गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक लॉजिकल आप रीजन सोचिए इसके पीछे कि कोई भी काम, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ाई कर लो, आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपना समय, मतलब टाइम पास करते रहोगे, समय वेस्ट करते रहोगे पूरा। क्योंकि बात ये होती है ना कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो चीज हम नहीं करना चाहते, हमारा मन नहीं कर रहा है, किसी ने बोल दिया चलो कर लो। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बचपन में हमारा पढ़ने का मन नहीं होता था, लेकिन मान लो कोई सीरियल आ रहा है, कुछ हमको देखना था, कार्टून देखना था या कुछ भी देखना था, और मम्मी ने या पापा ने डांट दिया नहीं जाओ पढ़ो, तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगता था? नहीं, हम सिर्फ बुक्स ओपन करके ऐसे बैठे रहते थे, देखते रहते थे, पेज पलटते रहते थे, सो भी जाते थे। तो ये चीजें इसीलिए होती है क्योंकि आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपना पहले तो ये चीज सोचिए कि आपका इंटरेस्ट है किसमें। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेस पानी है, सक्सेस का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि सक्सेस का मतलब होता है पैसा कमाना तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपने सोची कि मुझे ये करना है और आपने वो कर लिया, मतलब डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो, आपको सक्सेस मिल रही है किसी भी चीज में। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है और वो काम आप कर लेते हो पूरे डेडिकेशन से, पूरा आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हो उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को समझिए दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज को सोच रहे हो कि मुझे ये करना है और आप उसके लिए अपना 100% दे रहे हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि क्यों हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं कि हमको ये करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप में से किसी भी ने भी ये सोच लिया कि भाई अभी एग्जाम आ रहा है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, हमको तो बैंक में जॉब चाहिए, हमको तो रेलवे की जॉब चाहिए, हमको यूपीएससी क्लियर करना है, बस आप इस चीज पर लगे हुए यहां करना है, लेकिन क्या आप उसके लिए अपना पूरा 100% दे रहे हो? कभी आप इस बात को सोचिएगा। अभी मैंने रात के समय ये सेशन क्यों रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप इस सेशन को देखने के बाद जब सोने जाएं तो आप जो भी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं और जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूं, आप सोने जब भी आप सोने जाओगे तो सोते समय आप इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा दिमाग को अपने शांत करने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा क्या आपने दिल से उस चीज को करने के लिए सोचा था या किसी ने आपको बोला और आप करना चालू कर दिए। इस चीज को सोचिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो जरूरी है दोस्तों वो होता है कि आप कर किसके लिए रहे हो, क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे हो वो आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है ये भी डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं। अगर आप अपने आप के लिए कर रहे हो तो खुद सोचिए, क्या आप अपने आप के लिए कर रहे हो या आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, भाई बहन या जो भी है, आप जिसके लिए भी कर रहे हो वो अगर आपके लिए मायने रखता है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, कि अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो अपने फादर के लिए करना चाहता है। बहुत सारे होते हैं जो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, कोई अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, कोई दोनों से बहुत प्यार करते हैं, कोई अपने छोटे भाई बहन से प्यार करते हैं, कोई बड़े भैया से प्यार करते हैं, तो सबका अलग अलग चॉइस होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो आप अगर जिस भी पर्सन के लिए करने वाले हो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप अपने फादर के लिए करना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कल मंडे है, आपके फादर अगर जॉब पर हैं, अगर काम करते हैं, तो आप
उनको देखिएगा सुबह मॉर्निंग में जब वो जॉब पर जा रहे हैं, आप सिर्फ नोटिस करिएगा, आप कुछ बोलना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ शांति से उनको देखिए एक बार, और एक बार जब वो वापस आएंगे शाम को उस समय आप एक बार देखिए उनको। जो आपके अंदर मतलब आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये करना है, उस चीज को करने का जो एक जुनून है ना वो डबल हो जाएगा डेफिनेटली। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका वो जुनून जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे हो अगर वो आपके लिए मायने रखता है तो डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन जो शांत हो गया है, जो अगर आप एकदम ठंडे हो गए हो कि भाई हाँ चलो देखा जाएगा, मन नहीं कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, चलो चलने दो चलने दो, ये आप कभी नहीं करोगे। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि दोस्तों आप अपने आप पर फोकस रखिए कि भाई मुझे ये करना है, जुनून होना चाहिए बस। जुनून अगर आपके अंदर है डेफिनेटली आप करोगे, अगर मन नहीं कर रहा है बस किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। इसलिए दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं, भाई मैं बैंक में जॉब कर रहा था जब, अगर मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सही समय पर डिसीजन लिया बैंक छोड़ने का कि चलो छोड़ देते हैं, अगर मैं नहीं छोड़ता, लेट सपोज आज की डेट पर अगर मैं बैंक नहीं छोड़ता तो शायद मैं इस जगह नहीं होता, मैं अभी भी वही बैंक में नौकरी कर रहा होता, एक रूरल एरिया में मैं मेरी पोस्टिंग थी, मैं वहीं पर होता, वहीं पर मैं काम कर रहा होता, और जो आज की डेट पर मैं यूट्यूब चैनल पर इतने सारे आप स्टूडेंट्स हैं, 2-3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, ये सब नहीं होता। मतलब एक लाइफ में आपको डिसीजन लेना होता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है, अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जब तक आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अब बात यहां पर दोस्तों एक चीज और मैं लास्ट कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता, छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल। एक चीज और दोस्तों, हमेशा दूसरों को मत देखो, कभी भी दूसरों को मत देखो कि वो क्या कर रहा है या वो क्या नहीं कर रहा है। होता है ना अक्सर, बहुत सारे यहां पर भी जैसे काफी सारे लोग आए होंगे सिर्फ देखने के लिए कि बंदा क्या कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते ऐसे में। अगर आप दूसरों को देखते रहोगे कि भाई वो क्या कर रहा है लाइफ में, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अरे वो जैसा कर रहा है करने दो भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ में ध्यान दो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, या अगर कोई मेरे बारे में सोच रहा है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा वैसा कर रहा है, भाई आज से 4 साल बाद आप मुझे भूल जाओगे, मैं तो आपको कभी जानता ही नहीं था, तो क्या फायदा? क्या पूरी जिंदगी आप मेरे वीडियोस देखते रहोगे और ऐसे ही सोचते रहोगे ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा वैसा कर रहा है? तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, और अपने फ्यूचर अपने फैमिली के बारे में सोचिए, जिनके लिए आप करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, अपने बारे में सोचो। जब तक आप नहीं सोचोगे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तब तक आपका वो जो जुनून है ना अंदर से, वो निकल कर बाहर नहीं आएगा। दूसरों को देखकर अगर करना होता तो फिर तो ऐसे में यार हमको क्रिकेटर बनना है, चलो क्रिकेटर बन जाते हैं, भाई क्रिकेट खेलना नहीं आता लेकिन हाँ सचिन को देख लिए, भाई हाँ हमको तो सचिन जैसा बनना है, बैट उठाए निकल गए खेलने के लिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर किसी का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्राइस। आपका क्या यूनिक सेलिंग प्राइस है? आपको अपना यूएसपी खोजना है। यूएसपी मतलब आप किस चीज में माहिर हो, आप क्या कर सकते हो। अगर आप सिंगिंग अच्छी करते हो आप उसमें ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि आप सिंगर ही बन जाओगे, आप खुद का कुछ कर सकते हो। आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, आप खुद का कुछ कर सकते हो, कुछ भी, भले पार्ट टाइम पे करो, भले पार्ट टाइम में करो, लेकिन उस चीज को करिए, क्योंकि आपका आपका जो यूएसपी है वो आप ही का है, वो किसी और का नहीं है। हर किसी का एक यूएसपी होता है, अपने यूएसपी को पहचानिए। अब बात ये है दोस्तों कि ये समझ में कैसे आएगा कि करना क्या है हमको। आप में से यहाँ पर बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, तो बैंकिंग की तैयारी में लग गए, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो बैंकिंग की तैयारी? क्या आपने खुद से सोचा था कि मुझे बैंक में जाना है? और हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आप लोगों के मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार दूसरे कैसे पेपर क्लियर कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं कर पाते, दूसरे कैसे कर लेते हैं, क्यों हमसे नहीं हो पा रहा और क्यों दूसरे से हो जाता है? मतलब एक बात होती है ना भाई, एक स्कूल में कॉलेज में जब आप देखते हो कि आपके कॉलेज का एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई भी नहीं करता था, एवरेज था, लेकिन आज की डेट में उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। आप होशियार थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, फिर भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा, क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उसको वही चीज करनी थी। हो सकता है स्कूल में कॉलेज में उसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उसने बहुत सीरियसली लिया कि भाई मुझे तो ये करना ही है। उसने अपना 100% डेडिकेशन दिया और उस चीज को किया।
सेम चीज में अपना ही एग्जांपल इस चीज में इसलिए दूंगा दोस्तों क्योंकि मैं बैंकिंग की तैयारी मजबूरी में किया था कि भाई मुझे करना ही है ये चीज, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे सिर्फ अपने आप को साबित करना था मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैंने बैंकिंग की तैयारी की, चालू किए, जॉब लग गई। उसके बाद एक बार जब अपने आप को मैंने साबित कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये करना था, हो गया। बट वहां मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं उस चीज के लिए नहीं बना था। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, छह महीने, सात महीने। लेकिन मेरे साथ होता यह था कि जब भी मैं बैंक में बैठा होता था, मैं अपने YouTube चैनल के कमेंट्स देख रहा होता था, दिमाग में ये चल रहा होता था कि भाई मुझे घर जाकर क्या, कौन सा वीडियो बनाना है, अगला वीडियो मैं कौन सा बनाऊंगा। ये टेंशन होता था कि अगर नेट नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा, आज की क्लास नहीं हो पाएगी। बैंक में बैठे हुए भी ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती थी। फाइनली एक चीज समझ में आई कि यार मेरे लिए ये जॉब नहीं है, मुझे अपने YouTube वाले करियर को ही आगे बढ़ाना चाहिए, टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ना चाहिए। काफी लोगों ने मना किया, हर किसी ने मना किया। बात ये होती है दोस्तों, डिसीजन आपका है, आपको डिसीजन लेना है। जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, हर किसी ने मना किया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था कि तुम जॉब छोड़ दो। भाई गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए कौन बोलेगा यार, कोई भी नहीं बोलेगा। भले ही आपको कहीं पर कितना भी पैसा मिल रहा हो, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई आपको अगर प्राइवेट कंपनी बोलती है आपको हम 2 लाख रुपए मंथली देंगे, आप क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ दोगे? क्या सिक्योरिटी है भाई प्राइवेट जॉब में? कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती दोस्तों। जो गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है वो आपको कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। बात ये होती है, अपनी दिल की सुनो, आप क्या करना चाहते हो, आप किस जगह खुश रहोगे, क्योंकि जिस जगह आप खुश रहोगे उस काम को आप बहुत अच्छे से करोगे, आप अपना 100% दोगे। और जब तक आप किसी काम में 100% नहीं देते, वो काम 100% तरीके से पूरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप 99% करके छोड़ दो। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो सकता है आप मेंस क्लियर कर लो पर इंटरव्यू क्लियर ना कर पाओ। इसीलिए आपको अपना 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर लास्ट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चीज को पहचाने कैसे और आपको करना क्या है, इस चीज का डिसीजन कैसे लें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ब्रेक चाहिए 2 से 3 दिन। अगर आपके साथ ऐसा ये सब चीजें हो रही है जो भी मैंने बताया, 3 दिन का ब्रेक लीजिए, 3 से 5 दिन का, मैक्स टू मैक्स 3 से 5 दिन का ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक इस टाइप का ब्रेक नहीं कि दोस्तों से पूछ रहे हैं भाई क्या करना है, वो आपको फिर सलाह देंगे दूसरी वाली सलाह और आप उसके पीछे लग जाओगे कि हाँ ये करना है, इसने ये इजी है, इसने बोला ये इजी है, मैं ये कर लेता हूं, बिजनेस कर लेते हैं, ये बहुत पैसा है इस बिजनेस में, ये कर। वो एडवाइस नहीं लेनी है किसी की, किसी की भी एडवाइस नहीं लेनी है। अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हो करना और आप किस चीज में माहिर हो और आप क्या कर सकते हो। अपना 100% आप किस चीज में दे सकते हो। अब सोना इंपॉर्टेंट है ऐसा मत बोला यार, सोना इंपॉर्टेंट है, हमको तो वही अच्छा लगता है, हम तो वही अच्छे से कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज सोचिए जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, 3 से 5 दिन लीजिए दोस्तों और डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, अगर मान लीजिए आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस चीज में डेडिकेशन आपका नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं हो, अगर आपका मन नहीं कर रहा है उस चीज को करने का, आपने सिर्फ दूसरों के कहने की वजह से चालू कर दिया है, तो ये चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप लगे रहोगे 1 साल 2 साल 3 साल, फाइनली जाके आप छोड़ोगे। 3 साल वेस्ट करोगे लाइफ के, 2 साल वेस्ट करोगे, 6 महीना वेस्ट करोगे। उस समय का सही सदुपयोग कीजिए, कुछ ऐसा करिए जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा बैंकिंग क्रॉनिकल। और कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉजिटिव वाइब्स का, तो इसमें आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर फिर से ये पॉजिटिव वाइब्स की सीरीज जो है इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो अगर आपको कुछ है ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।